वर्ल्ड में वाटर की क्या क्राइसिस है, उसका एक छोटा सा नज़ारा आपके सामने बताना चाहते हैं। अपने वर्ल्ड में आज पानी अवेलेबल कितना है, हम सब लोग वाटर के डोमेन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम साधु साध्वियों के और आचार्यों के पास जाने वाले हैं। जब तक यीशु की गहराई हमको नहीं समझेंगी, हम उनको यीशु के लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम जाएंगे, महाराज जी विजय ऐसा काम कर रहा है, इतना काम किया, उतना काम किया, आपका सहयोग, वो बोलते हैं हाँ चलो हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, मंगलिक ले लो और जाओ। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। नॉट एक्सेप्टेड मीन्स ओनली यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, ये समझ लो आप। इस विश्व की क्रांति के लिए हम जैन समाज के साधु संतों को अप्रोच कर रहे, छोटी छोटी चीज़ के लिए नहीं अप्रोच कर रहे, ये बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए, तो ही हमारा आगे का काम कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। हमारे साधु संतों में ये ताकत है कि वो विश्व का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सके, नॉट किसी एक गांव का या एक राष्ट्र का या एक राज्य का। 97% पानी समुंदर में होता है, ये वर्ल्ड की बात है, इंडिया की बात नहीं है। सो 97% पानी ओशियन में, सो 3% पानी ये फ्रेश वाटर है ओनली वर्ल्ड में। वो 3% पानी में से 29% पानी जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड है, और 70% पानी ये आइस ग्लेशियरीज इसके माध्यम से ऊपर है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। ये ग्लोबल का फ्रेश वाटर का अवेलेबिलिटी का सीन बताया गया है, क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। और ये देखिए वाटर स्केयर्स है, ये वाटर स्ट्रेस्ड है, ये कलर्स इंडिया यहाँ जो है वो पूरा वाटर स्ट्रेस्ड में बताया गया है ग्लोबली। द होल इंडिया इज शोन एज वाटर स्ट्रेस्ड। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, बारिश कैसे आती है आपको एक पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। ये बारिश आती है पहाड़ों में आती है, अगर पहाड़ों में आई तो पानी बह के नीचे आता है, कुछ पानी जो ऊपर रहता है उसका इवेपोरेशन होकर वापिस जाता है और वो फॉग में जाता है, ढग होते हैं। जो रिवर में और लेक में पानी आता है वो अंडरग्राउंड जाता है, वो यहाँ इस ये ऑक्यूफर्स होते हैं। ऑक्यूफर ये वर्ल्ड मुझे एक साल पहले तक मालूम नहीं था, पानी में 10 साल काम करने के बावजूद, मतलब मैं इतना इलिटरेट हूँ, लेकिन हर बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, समझ के लेने की कोशिश करता हूँ। जब ये ऑक्यूफर यानी इस ऑक्यूफर को रिचार्ज किया तो ही हमको पानी मिल सकता है, इसको रिचार्ज नहीं किया यहाँ तक हम नहीं पहुँचे तो ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। ये पानी का पूरा हाइड्रोलॉजिक जर्नी है जो यहाँ साइकिल बताया गया आपको, जनरली ये सबको पता है। ग्रीन वाटर क्या है, ब्लू वाटर क्या है और ग्रे वाटर क्या है। जब मैं 1-2 महीने पहले जल शक्ति मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा था, उनके सेक्रेटरी लोगों की टीम बैठी थी और मैं उनको अपना रीजिनेशन का प्रोजेक्ट समझा रहा था। उनके एक सेक्रेटरी ने मिनिस्टर को बोला, सर आप ये लोगों को ग्रे वाटर की ट्रीटमेंट करने को क्यों नहीं बोलते हैं। मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं लर्निंग कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मिनिस्टर को जो बात बोली वो मेरे दिमाग के अंदर रजिस्टर हो गई, ये कोई तो भी बड़ा प्रॉब्लम दिखता है। ग्रे वाटर को ट्रीट करने के लिए तुम बीजेएस को क्यों नहीं बोलते हो, ये सेंटेंस जब मिनिस्टर के सामने एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बात कर रहा है तो वो बात ऑर्डिनरी नहीं हो सकती है। हम चाय पीते पीते कुछ भी बात करेंगे तो बात अलग है, लेकिन एक सेक्रेटरी मिनिस्टर से बोल रहा है तो वो बात हमारे दिमाग में रजिस्टर हो गई। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रे वाटर। उसके बाद में जब ये स्लाइड सामने आता है कि देखिए ये ग्रीन वाटर है, ये ब्लू वाटर है, ग्रे वाटर है। ग्रे वाटर यानी जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, जो पूरा फ्लश करके जाता है या जो हम यूज़ करते हैं उसके बाद में जो वाटर होता है उसको ग्रे वाटर बोलता है, जिसको रिसाइकल किया जा सकता। तो ये ग्रे वाटर जो है ये सामने है, ये ब्लू वाटर ये इरिगेशन के लिए यूज़ होता है और ग्रीन वाटर ये रेनफॉल मतलब ये बारिश से आने वाला पानी है जो हम ऊपर से आया हुआ पानी कैच कर सकते हैं, और ये हमारा जो स्टोरेज हुआ हुआ पानी है वो पानी है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये जो लीकेज हुआ हुआ वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, इसमें पोल्यूशन है, इसको ट्रीट किया तो उसको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इतना ही इस स्लाइड का मतलब है, ये वेजिटेशन के लिए ये वाटर यूज़ होता है और ये वाटर वेस्ट होता है। नेक्स्ट,
अभी ग्लोबली वाटर का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? 70% वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। हम ये क्यों अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हमको समझना चाहिए जिस चीज के लिए हम आगे काम करने वाले हैं, हमारे देश की पूरी जैन समाज की ताकत लगने वाली है, रिसोर्सेस लगने वाले हैं, पैसा लगने वाला है, ह्यूमन पावर लगने वाला है, और साधु संतों का अगर उसमें कुछ समय लगने वाला है तो हमको ठीक ढंग से उस चीज़ को समझना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि 70%, और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ईच एंड एवरी स्लाइड के पीछे उसका सोर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने दी जा रही है उसके सोर्सेस यहाँ दिए हुए हैं, तो देर इज नथिंग इज विदाउट सोर्स। तो 70% खेती के लिए पानी यूज होता है, ये बात ध्यान में रखने की। 19% जो है वो इंडस्ट्रीज को यूज होता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम है। और 11% जो है वो हमारे बाकी सारी चीज के लिए यूज होता है। अभी ग्लोबल वाटर डिमांड किस तरीके से वाटर की डिमांड आ रही है, तो ये बेसलाइन सिनेरियो है 2000 और 2050 का। मतलब इसमें ऐसा है कि ये इरिगेशन, ये कलर है इरिगेशन का, ये कलर है डोमेस्टिक का, ये कलर है मैन्युफैक्चरिंग का, और ये कलर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये अगर सिनेरियो हम देखते हैं तो रैपिडली ग्रोइंग वाटर डिमांड फ्रॉम सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी सप्लायर्स विल चैलेंज वाटर फॉर इरिगेशन। मतलब वाटर का जो अर्बनाइजेशन के वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो वाटर का यूज काफ़ी बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं हर सिटी कितनी ग्रो हो रही है, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, कोई भी सिटी ग्रो हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ये दोनों वजह से एग्रीकल्चर स्टेक पर आ गया है। ये बात यहाँ से बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, क्लियर कट दिख रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए पानी ही नहीं बचेगा, ये चीज़ यहाँ से क्लियर कट सामने दिखाई देती है। ये अभी पूरे वर्ल्ड में वाटर स्ट्रेस कौन सी कंट्री में कितना है उसका कैटेगराइजेशन किया है, उसका कैटेगराइजेशन क्या किया है, लो एंड मीडियम, मीडियम टू हाई, हाई 40-80%, एक्सट्रीमली हाई, ये कलर है। तो ये कलर में ये अगर हम इंडिया को देखेंगे तो इंडिया ये टोटल यहाँ आता है। सो इसका मतलब हम हाईली एक्सप्लॉयटेड में आ रहे हैं। सो दिस इज ग्लोबल सिनेरियो ऑफ वाटर, ग्लोबल सिनेरियो ऑफ वाटर। ये चीज आपको हम लोग इस तरीके से समझा रहे हैं कि हम तो ठीक है, हम तो रहेंगे कितने, 5-10 साल भी नहीं रहेंगे, व्हाट नेक्स्ट, एंड नॉट फॉर ओनली वी, नॉट फॉर आवर फैमिली, नॉट फॉर आवर कम्युनिटी, पॉपुलेशन एज ए होल। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। नेक्स्ट, ये राइजिंग डिमांड एंड स्केयरसिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, ये नाइजीरिया में लोग किस तरीके से वाटर के लिए वेट कर रहे हैं, इधर पूरा सूखा है फिर भी जहाँ पेड़ लगाए उधर उधर ही पानी दे रहा है। ये कोई मैं या कोई आप या कोई व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, दीज आर वर्ल्ड लेवल के रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ हमने उसको कलेक्ट करने की कोशिश की। वाटर स्केयरसिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, वाटर वॉर इन बोलीविया 2000, यानी जो हुआ है वो बता रहे, होने वाला है वो नहीं बता रहे। वाटर कम हुआ तो झगड़ा, झगड़ा यानी युद्ध, मारामारी, वायलेंस, क्योंकि पानी के लिए तो कोई भी आदमी झगड़ा करेगा ही, जो बलवान है वो जाके दूसरे को पीछे हटा के ले गए। ये क्या हुआ 2000 में बोलीविया में किस तरीके से एजिटेशन हुआ और किस तरीके से उसका रूपांतर एक वॉर में हुआ,
सहरिया में क्या हुआ, 1.5 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ 2006 एंड 11 ड्राउट। पानी होता है तो आदमी को डिस्प्लेस होना पड़ता है, जहां पानी है वहां जाके रहेगा क्योंकि रह नहीं सकता अदरवाइज, तो कहां रहेंगे और जहां पानी है वहां कितने लोग रहेंगे और कैसे रहेंगे, ये है हमारी सिचुएशन। इसके बाद में मार्च 2011 में एक रिवॉल्यूशन हुआ एरम में, मतलब फिर क्या करेंगे, हमारा गुस्सा, प्राइम मिनिस्टर को निकालो, राष्ट्रपति को निकालो, लेकिन हम ये सोच नहीं पाते कि वो पानी के लिए क्या करेंगे, जब करना था तब तो कुछ नहीं किया, अब समय निकल के गया तो किसका गुस्सा किसके ऊपर निकाल के हम रिवॉल्यूशन करते हैं, दूसरा अल्टरनेट नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सो ये रिवॉल्यूशन ये उसका एंड है, और ये बार 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 लोग कई सालों से कहते हैं कि तीसरा महायुद्ध वाटर पे होगा, बार बार कहते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन, वाटर स्केयरसिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसराइल एंड पैलेस्टाइन, टू पीपल वन लैंड वन ऑक्यूपर, द कॉन्फ्लिक्ट गोज ऑन, एक ही ऑक्यूपर रहेगा, नीचे पानी का साठा रहेगा और दो कंट्री डिमांड करती होंगी, तो वार के सिवाय अल्टरनेट नहीं, सिर्फ पानी के लिए। ये छोटी छोटी झलक है, बड़ा अभी होना बाकी है, और हमारे कितना भी काम करने से वो बड़ा रुकने वाला नहीं है, ये भी बात उतनी ही सही है, लेकिन हम आगे उसके ऊपर बात करेंगे। ग्रोइंग ग्लोबल वाटर कॉन्फ्लिक्ट इवेंट्स, ये 2018 का चित्र यहाँ दिखता है। देखिए 1998 से लेके तो 2018 तक किस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ रहा है, ये ग्रोइंग ग्लोबल वाटर कॉन्फ्लिक्ट इवेंट्स, ये सोर्सेस भी यहाँ दिए कहाँ से ये डेटा लिया है। ये सिनेरियो हमारे लिए, हम यहाँ से हरकत में आए हैं, यहाँ से तो हम हरकत में आए हैं, तो प्रॉब्लम जो बड़ा है उसको हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, इतना तो कम से कम हमारे माइंड में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ है वाटर पोल्यूशन, जो अवेलेबल है वो पोल्यूट हो रहा है, जो ग्रे वाटर बोल रहे हैं अपन, वो पोल्यूट होने के कई रीजन्स है, हमारा वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है करके भी पोल्यूट हो रहा है। नितिन गडकरी जी ने कहा कन्वेंशन में कि हमारे पास वाटर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, यस ही इज राइट। ये जकार्ता की एग्जिस्टिंग पोजीशन कैसी है वो देखो, ये कहाँ से कितना गंदा पानी पीने के लिए उठा रहे हैं, ये गंदा पानी पीने से क्या होता है इसके ऊपर भी मैं आने वाला हूँ कि क्या होता है गंदा पानी पीने से, किसको तकलीफ होती है और कितनी तकलीफ होती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बांग्लादेशी वुमन कलेक्ट्स कंटेमिनेटेड वाटर टू रेंस प्रोड्यूस एट वेजिटेबल मार्केट, अभी मैं आपको दो मिनट पहले बोल रहा था, ओवर 1000 चिल्ड्रन डाई ईच डे फ्रॉम वाटर रिलेटेड इलनेस, हर रोज 1000 बच्चों से ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं बिकॉज ऑफ वाटर क्वालिटी। ये कितनी गहरी, कितनी बड़ी और कितनी डेंजरस बात है। फाइंडिंग वाटर इज अनयूजुअली वुमन्स वर्क, कौन जाता है पानी लाने को, पुरुष नहीं जाते, कोई भी देहात में देखो लड़कियां जाती है, लेडीज जाती है, फीमेल जाती है, कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है हमने देखा है पिछले 10 सालों में 20 सालों में, कि 5-5 किलोमीटर तक लेडीज हमारे गांव में आज भी पानी के लिए जाती है। ये क्या चल रहा है, कौन सी दशक में रह रहे हैं, कौन सी शतक में रह रहे हैं हम, व्हाट आर ग्लोबल वाटर इश्यूज, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। कम पानी सूखा आता है, ज्यादा पानी फ्लड आता है, टू ड्राई पोल्यूशन होता है, रॉन्ग लोकेशन प्रॉब्लम होता है, नॉट वेल मैनेज्ड प्रॉब्लम होता है, क्या है कुछ भी करो तो प्रॉब्लम, कम बारिश प्रॉब्लम, ज्यादा बारिश प्रॉब्लम, मैनेज नहीं किया प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम, हर चीज
रिजल्ट प्रॉब्लम, ये सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है और हमारे चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, काम करने वाले लोगों के चैलेंजेस इस चीज से बढ़ते जा रहे हैं। हाउ डज वाटर स्केयरसिटी कंपेयर टू द ग्लोबल चैलेंजेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यानी बहुत इंटरेस्टिंग और रिफ्लेक्शन वाली स्लाइड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 5 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये कोई ऑर्डिनरी बॉडी नहीं है, वर्ल्ड के सभी लोगों की मिलके कॉम्पिटेंट लोगों का फोरम है। ये फोरम क्या बोल रहा है? ये फोरम ये बोल रहा है कि ग्लोबल रिस्क ऑफ हाईएस्ट कंसर्न फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स नंबर 1 इज वाटर क्राइसिस। इतना बोलता है तो काफी है, उसके बाद रिएट्रेट क्या हो रहा है? रिएट्रेट हो रहा है उसको अगर मैं स्टडी करूं तो मैं इस तरीके से उसको लेता हूं कि वायलेंस से, टेररिज्म से, फ्लड से, वेपन से, मास डिस्ट्रक्शन से भी बड़ी चीज वाटर है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है। एनीवन हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर इज वर्दी ऑफ 2 नोबेल प्राइजेस। जो व्यक्ति या संस्था इस वाटर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आगे आएंगे, कुछ प्रयास करेंगे, कुछ सक्सेस करेंगे, कुछ इनोवेट करेंगे, तो उनको 2 नोबेल प्राइज मिल सकते हैं, 2 नोबेल प्राइज मिल सकते हैं। एक पीस नोबेल प्राइज मिल सकता है और दूसरा साइंस का नोबेल प्राइज मिल सकता है, क्योंकि इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होने वाले हैं, इसकी वजह से पीस होने वाला है, और साइंस यानी इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में डिफरेंस होने वाला है। मैं आपको मॉर्निंग में कहा है कि आज का दिन इतिहास में नोंद करने जैसा है, क्योंकि हम एक डिफरेंट ट्रिगर मार के डिफरेंट डायरेक्शन के ओर का रास्ता हम आज यहाँ से ले रहे हैं। एक ट्रिगर पॉइंट है, ये एक चौराया है, यह चौराहे, आज के चौराहे से हम जो रास्ता साधु संतों के माध्यम से पकड़ना चाहते हैं वो समृद्धि मार्ग है इस दृष्टि से जाने के लिए, और वो मार्ग से हम जाएंगे। हम स्पेसिफिक इंडिया के ऊपर आ रहे हैं। 600 मिलियन पीपल फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। 600 मिलियन पीपल, ये कौन सा रास्ते पर है? हाई टू एक्सट्रीम के रास्ते पर है। 75% ऑफ हाउसहोल्ड्स डू नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर ऑन प्रीमाइसेस। 84% रूरल हाउसहोल्ड डू नॉट हैव पाइप्ड वाटर एक्सेस। ऑफकोर्स ये फिगर 2010 का है, ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर ने 14 में आने के बाद में इसमें काफ़ी बदलाव लाने के लिए कोशिश की है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। फैक्ट ये है कि 2014 के बाद इस चीज पर बहुत सीरियसली सोचा गया है, इसके ऊपर प्लान वे से काम किया गया है, इसको डील करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, वो योजनाएं ग्राउंड पर जाने के लिए कोशिशें की गई है, उसके लिए खूब भरपूर पैसा एलोकेट किया गया है, वो दिया जा रहा है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बाहर के लोगों का, एनजीओ का, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, इन्वाइट कर रहा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट से होने वाला नहीं है, आप सब आओ, आपसे होने वाला है, आप साथ में मिलकर काम करते हैं। ये चीज आने वाले पिछले 5-7 साल में इसमें बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से 2010 के बाद का ये सिनेरियो जब भी बाहर निकलेगा तब इससे जो डिटेरियोरेटेड सिचुएशन सामने आने वाली थी उससे सिचुएशन थोड़ी कम रहेंगी, बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड प्रॉपर विजन एंड प्रॉपर डायरेक्शन टूवर्ड्स द इश्यू। मैं उस चीज को इस तरीके से पुटअप करना चाहूंगा। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा सिखाती है और समझाती है। थर्ड लाइन बहुत डेंजरस है हमारे लिए, सबसे ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए। मैं आपको कहता हूं क्या है थर्ड लाइन। थर्ड लाइन ये है कि वाटर करंटली रैंक्ड
120 अमंग्स 122 कंट्रीज इन दी वाटर क्वालिटी इंडेक्स। इस विश्व के 122 देशों का वाटर क्वालिटी का इंडेक्स जो पब्लिश हुआ है उसमें भारत का नंबर 120 है। तो क्या होगा, हर साल हजारों बच्चे मेलघाट जैसे आदिवासी क्षेत्र में, एमपी यूपी जैसे क्षेत्र में नहीं मरेंगे तो क्या होंगे, और उसका फंडामेंट क्या है? वाटर क्राइसिस इन इंडिया। इंडिया हैज़ 18% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर पॉपुलेशन बट ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड्स रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स। वर्ल्ड का सिनेरियो है पॉपुलेशन 18%, वाटर 4%, बहुत बड़ा डिस्पेरिटी है, ह्यूज प्रॉब्लम है, ह्यूज चैलेंज है, ह्यूज चैलेंज है। इंडियाज एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीज्ड फ्रॉम 6,042 क्यूबिक मीटर इन अ ईयर फ्रॉम 47 टू 1545 क्यूबिक मीटर इन 2011। ये भी एक चिंता का विषय है कि किस तरीके से हमारा अवेलेबिलिटी पर कैपिटा डिक्रीज्ड हो रहा है। बाय 2025 इट विल फर्दर रिड्यूस टू 1,340 क्यूबिक मीटर फ्रॉम 6,000 टू 1,300 एंड बाय 2050 1,140 क्यूबिक मीटर। 90% ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज्ड इनटू वेरियस रिवर्स फेल्स टू मीट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। एनवायरमेंटल के स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं कर रहा है जो पानी नदियों में से जा रहा है। सो ये सारी कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक और हमारे लिए सबके लिए थोड़ा सा सोचने को लगाती है। इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ग्राउंड वाटर इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन आवर कंट्री विथ 85% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन इट। मतलब हमारे कंट्री में ग्राउंड वाटर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम जी रहे हैं। 85% हमारी पॉपुलेशन ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। 85%, इट्स वेरी बिग थिंग। और दिन ब दिन ग्राउंड वाटर की लेवल और ज़्यादा नीचे जा रही है। तो अगर वो लेवल नीचे गई तो हमारा जगना मुश्किल, ये क्लियर है। ग्राउंड वाटर टेबल इज डिक्लाइनिंग ऑलमोस्ट 33 सेंटीमीटर पर ईयर। 33 सेंटीमीटर हर साल ये ग्राउंड वाटर नीचे लेवल उसकी जा रही है, ये रिसर्च कहते हैं। जितना भी हमने कुछ भी देखा है वो एक इस तरीके का सिनेरियो है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्राइसिस कैसे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोल रहा है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कितना परसेंट वाटर है ओशियन में, कितना है हमारे लिए, कितना आता है इंडस्ट्री को, कितना लगता है एग्रीकल्चर को, कितना लगता है अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ रहा है, और वो बढ़ते अर्बनाइजेशन में कैसे पॉपुलेशन इधर बढ़ रही है तो उधर पानी का यूज़ कम हो रहा है, एग्रीकल्चर में कम हो रहा है, किधर कम पानी पड़ रहा है तो प्रॉब्लम, किधर ज़्यादा पानी पड़ रहा है तो प्रॉब्लम, किधर पानी का मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर रहे, किस तरीके से पानी लाने के लिए हमारी महिलाएं चार चार दो दो पाँच पाँच किलोमीटर घूमती हैं, हमारा पूरा डिपेंडेंट ग्राउंड वाटर के ऊपर है, और हमारे आज तक के जो इसमें पूरा की पूरा इंडिया ये हाई स्ट्रेस में बताया गया है, रेड जोन में बताया गया है, और इस चीज़ को निकालने के लिए किस तरीके से होगा। कुछ जगह पर हमने देखा है कि पिछले 15-20 सालों में अगर थोड़ा सा वाटर का प्रॉब्लम हो गया तो क्राइसिस कैसे बढ़ते, युद्ध कैसे होता है, और वहाँ के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उसका गुस्सा कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से वहाँ पूरा ख़त्म होता है। इसको कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई कंट्री वार करके दूसरे के ऊपर अगर राज भी करेंगी तो पानी कहाँ से लाएंगी, और ये सब करके जितने भी हमारे रिसोर्सेस है कैसे वो डैमेज हो रहे और कैसे इसके प्रॉब्लम हो रहे, और हम सब लोग कैसे ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड है, और ग्राउंड वाटर की लेवल कैसे नीचे जा रही है। ये सबसे बड़े इशू आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है, ये वाटर की नीड बढ़ते जा रही है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन, सप्लाई इतना ही है, डिफिसिट इंक्रीजिंग डे बाय डे, इसका एक अतुच्च समय आता है जहां सब खत्म हो जाता है। ये समय आता है
और कुछ सालों में वो समय आने वाला है। कुछ आपको पिक्चर्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये रियल पिक्चर्स हमें क्या सिखाते हैं, ये रियल पिक्चर्स हमें क्या समझाते हैं, ये क्या होने वाला है। नेक्स्ट मुझे आपसे जो बातें शेयर करनी थी वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। ये क्यों आपको बुलाया, क्यों आपका कमेटी स्थापन किया, क्यों उसमें सीनियर लोगों को हमने इन्वॉल्व किया, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्या यहाँ से आगे हमको करना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आने वाले 20 साल में जैन समाज इस वर्ल्ड में वाटर में बड़ी क्रांति करेगा और वो पूरे सिर्फ साधु संतों के माध्यम से ही हो। भले हम नहीं रहेंगे उस वक्त, हम शुरुआत कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये होगा और ये ताकत और क्षमता हमारे साधु संतों में है, इसलिए उसकी पहल आज हो रही है, इसलिए आज एक हिस्टोरिकल डे है, इसके लिए आज के दिन का महत्व बहुत बड़ा है। ये मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।